I want a suit I wear to reek, reek with the grape and shake and stuff. Come to look sharp enough. See my son again. What's up guys and welcome back to our vlog channel. So, अभी हम हैं इगतपुर 40 किलोमीटर है कल सुबह से, तो अभी वहाँ के लिए निकलते हैं, रास्ते में नाश्ता करते हैं और फिर वहाँ का ट्रैक स्टार्ट करते हैं, जो ट्रैक लगभग 7 घंटा लगता है जिसमें से 2-2.5 घंटे ऊपर जाने के, 2.5 घंटे नीचे आने के, और कल रात का भी शूट ज्यादा आ नहीं पाएगा, इगतपुर ही था तो हमने तो रात में 3-1 बजे का भी चेक इन करा, कुछ भी नहीं ले पाया, ऐसी नींद आ रही थी, सीधे जाके सो गए और सुबह उठे सीधा, अभी चेकआउट कर लिया, सीधे निकल रहे हम कल सुबह की तरफ। अभी हम लोग बना रहे, थोड़ा सा नाश्ता बना रहे, उपमा बनाते खाते और निकलते हैं। देखते चलो कितना टाइम लगता है, चलते जाते आगे मिलते हैं। बोल रहे थे कि 4-4 घंटे लगेंगे लेकिन हमको 2 घंटे ही लगे। तो गाइस क्या है, ट्रैक का कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है, मार के आप इधर साइड जाओ तो यहाँ पे जो लोकल्स हैं यहाँ के उनसे पूछ लो कि ट्रैक का रूट क्या है तो आपको सही बता देंगे। सो जस्ट चालू हुआ था, हमको 10 मिनट हुए हैं और ये पहला वाटरफॉल हमको क्रॉस करके उधर जाना है। पहले ही जूते गीले हैं, चलो क्रॉस करो। और गिरा है, अरे यार तो ट्रैक हो गया चालू, अब हमको जाना है यहाँ पे राइट से, राइट लेके पूरा। ट्रैक की शुरुआत ही ऐसी हुई है, सबसे पहले आ गया वाटरफॉल, उसे क्रॉस करा और पूरे खेती खेत में से जाना है जिसकी जमीन पूरी दलदली है। स्टार्ट हुआ था वहाँ से पूरा, जो ये गांव है ये जरा सा, ये मतलब इतना सा ही पार्ट है, ये पूरा अंदर से होते हुए वो वाटरफॉल है उसको क्रॉस करके ये पहाड़ वाला रास्ता यहाँ से, और ये पूरा पहाड़ ये वाला घूम के वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना उधर जाना है। Tonight.
कल के ट्रैक हमने क्या नॉन स्टॉप करे थे, हम एक भी जगह रुके नहीं। और फिर कल ही हमने एक और ट्रैक करा था जैसे हैरियर का, और हैरियर के बाद हम लोग गए थे क्या ब्रह्मगिरी। तो जो ब्रह्मगिरी और दोनों करने के बाद थोड़ी थकान हो गई थी, नाइट ड्राइव भी करी। हाँ, और अभी थोड़ा क्या ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि थक रहे हैं। वो टॉपर पहुंच चुके हैं हम, यहाँ से वहाँ तक चढ़ना है हमको ऊपर तक के, और यहाँ पर नीचे ही जस्ट कैंपिंग कर सकते हो हम यहाँ पर रुक के, जिसका प्राइस है 800 रुपये पर पर्सन। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है जिसमें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इंक्लूड रहेगा, और यही कैंपिंग होगी। तो झरने दिख रहे थे, वो क्लियर दिख रहे पूरे लाइन से, सारे झरने के लेवल पे ही खड़े हैं एक तरीके से। अभी तो और ऊपर जाना है, आगे वो झरने दिखेंगे। स्टार्ट ही हुई है अभी, तो चलो चलते हैं ऊपर। के जाने का रास्ता नहीं है तो सीढ़ी लगा रखी है इन्होंने सीधे ऊपर तक, और ये ऐसी सीढ़ियां मिलेगी वो है कि बस अब थोड़ा सा बाकी है, ज़्यादा नहीं है। मतलब ये जो बीच में से जा रहा है ना, अब ये इसके ऊपर का विजिबल नहीं है अभी पहाड़ पर, अब ये ट्रैक यहाँ से बीच में से होते हुए जाएगा। नीचे से ऐसा लग रहा था बस ये एंड पॉइंट है, पर और ऊपर है, और ऊपर एक मंदिर है कह रहे हैं वहाँ पर लास्ट है, वहाँ पर चल के देखो। आगे से तो नहीं दिखता कि पहाड़ बहुत मतलब बहुत ऊंचा है और सबसे हाईएस्ट ट्रैक है, पर पीछे साइड से पता लग रहा है कितना बड़ा है। अभी हम चढ़ते जा रहे यहाँ से आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, पीछे भी। फाइनली पहुंच गए हाईएस्ट पिक पे इसके, कलसू भाई के, ये है उसकी सबसे हाईएस्ट सीढ़ी, ये लास्ट सीढ़ी है, ये लास्ट सीढ़ी है। इसलिए इतनी दूर से ट्रैक करा हमने, सबसे टॉप पर है, और यहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही है, ठंडी पानी बहुत खतरनाक है, पूरा धुंध में घिरा गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इधर साइड खाई है, बर्फ जैसा ठंडा लग रहा है यहाँ पर, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। दर्शन करते हैं और फिर नीचे चलते हैं। दर्शन होगा यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, धुजनी भरा रही हमारी, तो जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो वापस नीचे की ओर जा रहे हैं अभी हम। इतना ऊपर आने में करेक्ट 3 घंटे लगे हैं, और नीचे पानी बहुत ज़्यादा। सो गाइस वापस आ गए ऊपर से नीचे, अब जितना ऊपर जाना टफ था उससे डिफिकल्ट नीचे आना था, क्योंकि हर थोड़ी देर पर नीचे फिसल डालती है, वो
क्योंकि पानी की वजह से ना बहुत ज्यादा मतलब एकदम फिसलन ज्यादा हो गई थी। दो तीन बार हम गिर भी गए नीचे, फिर उठ के चल दिए, धीरे धीरे आना पड़ा। तो अब बहुत भूख लग रही है, अब कुछ खाते हैं कहीं पे? ढाबे पे मस्त सा अपना स्पाइसी खाना चाहिए, सेवों की सब्जी और रोटी, तो मजा आएगा। और इस ब्लॉग का एंड वहीं पे करेंगे। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग पुणे, और अभी हम लोग रुके हैं पुनीत के रूम में। हाय गाइस, और अभी मतलब हंस बना रहा है खिचड़ी, और यहाँ पे दर्शन काट रहा है। यहाँ के बहुत महंगे हैं टमाटर, 1000 रुपए किलो हम लेके आए अभी। बहुत महंगे 1000 रुपए किलो है। ऊपर से आंटी का गाने लगा उधर तू डाल। सर अपन यहाँ है अपने फोन दिक्कत है, 4:30 बजे तक वो नहीं आता तब तक अपने को पूरा अब रुक जा। अब लाल मिर्च डाल, बहुत सारे चावल है। अरे बहुत ही दर्शन जाएगा बस समझ यार। वीडियो का एंड हम यहीं पे करेंगे। खाना मतलब बन चुका है, मतलब ऑलमोस्ट बन ही गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या?